हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज अखबार की जो कटिंग आई है वो आपने देख भी ली होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ खबर है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताई जाएगी, साथ ही जो कल रिवाइज कट ऑफ CET की HSSC के द्वारा डाली गई है उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। उसमें भी कुछ खामियाँ हैं, क्या कुछ खामियाँ वो भी देख लेना, ठीक है। सबसे पहले चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। CET की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर से हों, आपदा प्रबंधन से हों, पर्यावरण से हों, डिजास्टर मैनेजमेंट से हों, सारे के सारे टॉपिक हमने कवर करवा रखे हैं, एक बार उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। अब देखिए आज की जो खबर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 56 की कट ऑफ फिर संशोधित की। 2 दिन में 6570 कैंडिडेट ने अंक छोड़े, ग्रुप 56 स्थान में लगभग 500 बार हुए। इतने छोड़ने के बाद भी आपकी कट ऑफ जो वो सेम रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। लगभग 6270 कैंडिडेट ने नंबर छोड़ दिए हैं तो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, तो ये भी एक देखने योग्य बात है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को ग्रुप सी पदों के लिए ग्रुप 56 की लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ फिर से संशोधित की है। आयोग ने सोमवार देर शाम तक यह संशोधित कट ऑफ सार्वजनिक कर दी। उधर आयोग ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक छोड़ने के लिए पोर्टल खोला था, उस पर 6270 उम्मीदवारों ने अंक छोड़े हैं। आयोग ने उन्हें प्रोसेस किया और इनमें से ग्रुप 56 और स्थान से लगभग 500 उम्मीदवार बाहर हो गए। असली डाटा 1-2 दिन में पता चलेगा, दैनिक सवेरा ने लगभग यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। आयोग ने संज्ञान लिया और 5-6 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित न करनी पड़े इसलिए दिन रात काम किया, कट ऑफ कैटेगरी अनुसार संशोधित की। आयोग के सदस्य कमलजीत सैनी यह सारा काम देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि ESM डिसेबल्ड, ESM DFS कैटेगरी अलग अलग कर दी है, इसलिए कट ऑफ भी अलग अलग जारी कर दी है, ठीक है। तो ये तो था कट ऑफ का मामला दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने, ग्रुप 56 की अभी यह है अंतिम कट ऑफ, जो आपने कल देखी थी जनरल की 65 थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे, देखिए जनरल की 65 है, SC की 61 है, BCA की 65, BCB की 65, EWS की 65। इसमें एक देखने योग्य बात ये है, क्योंकि जनरल की एक्चुअल जो कट ऑफ है वो 47 से तो नीचे हो ही नहीं सकती, 47 पे क्वालिफाई था, 47.5 पे, ठीक है। तो ये कट ऑफ देखिए आप यहाँ पे 341 कैटेगरी की 46 के ऊपर है, कैसे हो सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 47 पे तो क्वालिफाई है ही, तो 47 से नीचे कैसे लग सकती है, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। किसी को समझ में आ गई हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें, ठीक है। क्योंकि जैसा कट ऑफ को देखने के बाद लगा, ऊपर तो कोई असर है ही नहीं जनरल का, 65 पे पहले थी, 65 पे अब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज दी है इन्होंने, 46 पे कैसे क्या कर दिया इन्होंने, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एक बार कि क्या ये दिक्कत है, किस वजह से इन्होंने ये 46 के ऊपर लगाई है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी अपडेट आपके लिए आता है वो लेके आते हैं सबसे पहले, तो चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।